देवी माँ एबे मुमो आराध्यों का बाय आने थे बाल लड़ू मु भोरा बाबा को दे देवी इतने मोटे सहायता करूं तू सिद्धि की थाऊ प्रभु एबे आऊं नहीं क्षमा करूं तू प्रभु परंतु मते लगुचे जित्ती की लड़ू आपनों खाई सरी छंते सिद्धि की जथेष्ट हब आपन को तृप्त करी दबाई बाळक मो अंतर भितर एक स्वर आसुची जे तो लड़ू खाई मते तृप्ति मिली जाइची कुआडे जाउ छंडी महाराज ज्ञान सरोवर जीवार नाही ना कोन देखंतु ना माता प्रभु किभली भावे निज आराध्य श्री हरि को भक्ति रे लीन अछंती आउ मारुति को एहा भी ज्ञात नहीं जे तांको जो आराध्य को खोजिबा को से बाहरी चंती सेही भक्ति गीत तांकु ही समर्पित ज्ञानी तुमे तो ज्ञाता सब पथर तुमे ही विधाता तुमरी ध्यान संज सकाळे तुमरी ध्यान संज सकाळे ए आराध्य पालन हारी सदा रही था संगे अमो बाबा इपटो नुआ सेपटे सब मार्ग तांकरी आड़ को जाई छी बालक कोटा बाबा सब मार को ज्ञान सरोवर को केमिति चाय बारेबो बुद्धि मो कोटा यहां को कान को सुना गोलानी क्षमा करंतु बाबा हम को सीधा ज्ञान सरोवर रे पहुंचे वाला अछि आओ अपन के जाने कुवार कोले जाबो छंटी निज आराध्य को पाइबा पई भक्ति सहित धैर्यर आवश्यकता भी रही थाए मारुति बुद्धि आउ त्यागर परीक्षा तो तमे दे सारिछ किंतु विद्या आउ बलर परीक्षा एबे बाकी अछि किछि कोहंतु तो गळा सुखी जाउछि मोर केमिति किछि कहिबि आउरी गांटु चौचो सरले कोन किछि ना किछि ना एते बढ़िया गाउथिले ना अपन सटरे अपन को गळा सुखी जाइथिबो जिबा बे जा जाई कि मो पई जळो नै आस जळो आगु को जिबा चलन दो बाबा मार्गडे अवश्य कोनोसी झरणा मिली जेबो सेते बेळो को तो ससरे मो मरी जाइथिबी बालक कोन तते एति कि विज्ञान तो नाही जे जळो ही जीवन जा जळो नै कि आस एबे जंगल रे जळो को उठे मिले बाबा हे दे गोटे पुष्करणी देखा जाउछ मु त देखि पारुनी बाबा
नाक सीधारे चली चली जा, मिली जीव तते। तू जेते विलंब करिवो आम यात्रा से तिकी विलंब हो। ज्ञान सरोवर कृपा करी आपनो गाई बेड़ो कोष्ट जमा भी करों थोनी पूरा जंगल आपनंगर गीत सुनी धन्य हो सारी एबे टिके विश्राम करे नियंतु सुरीली मारुति फेरी कैसे लेकी नहीं आसी नहीं नंदी मारुति अंजनी अंजनी कौन है लकवारे गले मारुति देखो ना नानी मु कोटी कोटी नौ खोजे ची मु हाथ को या सुनाती मारुति जदि मारुति नौ मिली बे तबे संकट आसी पारी से पटे रुसी दुर्वासा अधीर हेउ चंती हे ईश्वर प्रथमे भोक करिवारे लाडू खाई गले एबी सोसो लागु छी तो चलो नैया रुह बालक मो इच्छा विरुद्ध रे जदि केही जल चोरी करिवो तेबे से धरित्री भितरे पसि जीवो एबे ये पुनी कोन समस्या सामना करसी होला प्रणाम महाराज मु एथे की जल चोरी करबा उद्देश्य रे जमा आसिनी आपण जदि निजे अनुमति दे देबे एते सहज नुह बालक मोर ज्ञान सरोवर रे पहुंचिबा महत्वपूर्ण ज्ञान सरोवर को जीवा को चाहुचो तेबे सर्वप्रथमे निज ज्ञान रा प्रदर्शन कर मु तुमको तीनोटी प्रश्न पचारिबी जदि तमे गोटिए प्रश्न रा भी सठिक उत्तर दब तेबे जल नै जाइ पारिबो परंतु प्रत्येक अनुचित उत्तर सहित तमे पृथ्वी भीतर को पसी पसी चली जीव ये तो बड़ कठिन परीक्षा रखी देले जक्ष मारुति के सम्मुखरे माता अब मारुति बुद्धिमान सही आ तो एमिति भी कौन पचारि नेबे जक्ष राज जहार उत्तर मारुति को पाखरे नथिबो तबे कुह बालक सूर्य आ चंद्रमा के मध्य रे निम्नतम अंतर केते हेई पारिबो ये कौन बालक आपनका प्रश्न रा उत्तर प्रभुंकर इच्छा हो जदी तेबे सूर्य चंद्रमा को मध्य रे निम्नतम इतिक टिक के भी अंतर हेई परिबो ये की उत्तर दे देले मारुति सूर्य आ चंद्रमा को भीतर केवल एति दूरता द्वितीय प्रश्न बालक ए सृष्टि रो सर्वाधिक कष्टकर निर्माण कार्य कोन हे पारे बहुत सहज धरित्री रु स्वर्ग जाए सीढ़ी रो निर्माण करिबा लंकापति रावण भी तो ई प्रयास करथिले किंतु सफल हे पारि नथिले गोटे राथरो निर्माण सर्वाधिक कष्टकर कार्य महाराज कौन बोध हुए तमे ठीके आत्महत्या करबा को आसी छो बालक सेथि पई तमे ते सहज प्रश्न रो उत्तर भी अनुचित दउ छो महादेवंकर अंश मारुतिंको प्राण संकट रे अछि आमुकु जक्ष राजंक ठारु तांकु रक्षा करबाकु होबो चलो भृंगी नाही नंदी महादेव स्वयं मारुतिंको परीक्षा नेउछन्दि भूली जाउनी ये भी तांकरि अंश
मारुति को भी तो यह सिद्ध करने को हेबो जे से तांका आराध्या को भेटिबा पई प्रस्तुत बोली। अंतिम प्रश्न बालक टिके भाभी चिंती उत्तर दबो। जदि तमे एहार उत्तर भी अनुचित दियो तेबे स्मरण अछि ना तमर समाधि हे जीवो। तेबे ठीक अछि तुमर ई बालुत वयस को देखिबा परे मु तुमको एक सुजोग प्रदान करूछि। क्षमा मागिनियो आउ निज आह्वान रु पछ को हटि जाओ मु तुमको जीवित छाड़ी देबी। क्षमा चाहूछि महाराज परंतु आह्वान रु पछ को हटिबा सेकि नाही मु। तबे कुहो ए संसार र से को वस्तु जहा को कोनोसी परिश्रम बिना अत्यंत सहज भावे नुआई दिया जाई पारे। आउ यारो उत्तर होची आमरो आखी पता। कारण आमरो आखी पता ही से एकमात्र वस्तु जहा को सामान्य भी परिश्रम बिना आमे नुआई पारिबा। देखो मारुति एमिती एमिती से वस्तु होची पर्वत। असंभव। तमे मोर तीनोटी प्रश्नर उत्तर अनुचित देछ सेतिपई मते दुखर सहित यह सूचित करबाकू पडुची जे तुमर मृत्यु एबे सुनिश्चित। मारुति कौन हेला नानी मिलिले तमको नहीं तमको भी नहीं ऋषि वरंग को क्रोध एबे आकाश छुई जाइथिबो। अंजनी एबे कौन करिबा चलो तांको जाई क्षमा याचना करिबा आ कोनोसी उपाय नहीं जदी से शांत हेबे आमे पूणी थरे मारुति को खोजिबा को जाई परिबा। हां एही उचित हबो ता भीतर आमे तांको भोजन र प्रबंध करिनबा। चलो चलो हां जल्दी चलो। मृत्यु पूर्वरु निज इष्ट देवंकु स्मरण करिनियो। त्रिपुरासुरर कथा मने अछि? त्रिपुरासुर जेबे तारकासुरर तीन जना पुत्र त्रिपुरर निर्माण करिथिले तेबे ब्रह्मदेवंक तु ताको वरदान प्राप्त हेथिला। ताकर अंत सेतबेले हेबारिबो जेबे से गोटे बाणरे तीन लोक को भेटि देबे। तापरे ताको नाश करबा पाई महादेव सेठिकि जिबार निर्णय सेते बेले महादेवंग पाई स्वयं भूदेवी रथर रूप नेले। सूर्य और चंद्रमा दीजन रथर चक हेथिले अर्थात सेते बेले सूर्य और चंद्रमा को भीतरे अंतर केवल एतिके थिला। भले रथ जो थे महादेव स्वयं विराजित हेले ताको ना के असुर तैयारी करि पारि थांता आउ ना देवता कारण प्रभु को इच्छा बिना एमिति कोनोसी काम संभव न ये होछि आपन को द्वितीय प्रश्न रो उत्तर। से रथ रो निर्माण ही सृष्टि रा सर्वाधिक कष्टकर कार्य थिला। अच्छा तबे अंतिम उत्तर भला पर्वत को बिना कोनोसी परिश्रम रे केमिति नुवाई दे जाई परे विनम्रता रे अर्थात विनम्रता एबले अलौकिक शक्ति जहा द्वारा पर्वत को भी नुवा जाई पारिबो। आउ त्रिपुरा सुर कथा रे इमिति ही आइथिला जेबे देवता विनम्रता रे मेरु पर्वत को मिनती कले तेबे से नई जाई धनुष हवा पाई प्रस्तुत आइ गले। से दिव्य रथ रे विराजित है महादेव से धनुष रे बाण मारिले आ त्रिपुरासुर रो अंत करि देले। कोन आपण मो उत्तर रे संतुष्ट हेले महाराज? नहीं Thank you.
तुमर तीनोटी उत्तर सठिक बालक तुम्हें कौन सी साधारण बालक नुहे आज तुम्हें मोर ज्ञानी हबार अहंकार को निज बुद्धिमत खंडित कर महादेव गोटे बाण रे तीनी जन को वेद कर देले हेई गला त्रिपुर सुर रो अंत अर्थात अधर्म जेते भी शक्तिशाली हो पछके धर्म सामना रे तार कोनोसी अस्तित्व नहीं। प्रणाम तमको आउ प्रणाम तम माताको जहां को गर्भरु तमे जन्म नेछो नहीं जाओ तमर जेते भी जल दरकार नहीं जाओ। धन्यवाद महाराज। साधु साधु मारुति साधु बुद्धि आउ व्यवहारिक ज्ञान रो एभली मिश्रण वास्तव रे दुर्लभ दुर्लभ। धन्य तमे अंजनी पुत्र मारुति। मोर आशीर्वाद रहिला गोटे दिन तुमर गणना संसार रो परम ज्ञानी को मधे हबो। ऋषिवर मुँ शुणी आपण को खीरी अत्यंत प्रिय बोली ए खीरी देवी अंजनी निज हाथ रे तैयारी करी चंती विशेष करी आपण को पाई कृपा करी याको ग्रहण करंतु। मते भोको नहीं। तेबे ए शीतल जल ग्रहण करंतु महाशय। प्रथमे एक कथा कह जे तमर पुत्र कौठी भल है तू आसीगल ना मत तो लगुला आज मत शरीर छाड़क आनंद धन्य तमे मारुति विद्यार परीक्षा भी तमे सफल हल परीक्षा बाकी अच्छे धन्यवाद प्रभु एबे आपण मो आराध्य को निकट रे पहुंचाई दियंतु धन्यवाद। धर्जर एवं बंध भांगी जा बसी बसी सूर्योदय सूर्यास्त हो गला केते समय मारुति को प्रतीक्षा करी मत तो एमती प्रतीत हो तमे तम पुत्र को मो सम्मुख को आने को चाहू न कौन यार कारण नहीं नहीं मुनिबर ये आपने कौन कहते आज पूर्व मारुति एते समय महल रु केबे भी बाहर रही नांती जणा नहीं जणा नहीं जदि तमको जणा नथिला तेबे तमे माने काहे कि मत अटकेलो एठी मु मोर सब कार्य छाड़ी देई गोटे बालक को प्रतीक्षा करिछि। क्षमा करंतु मुनिबर क्षमा करंतु कृपा करी आपण शांत हो जांतु। महाराज केसरी मो सुनी थी आपणकर एठी ऋषि मुनि को आदर सत्कार करा जाए सेथि पई मु मो शिष्य सहित एठी आसिली परंतु आजिर अनुभवरु मोर समस्त भ्रम समाप्त हेगला आदर सत्कार स्थान रे मोर अपमान हेला मो समय रो कोन किछि मूल्य नाही बोध हुए आपण या अनुभव करैबाकु चाहुचंती मते या सिद्ध करबाकु चाहुचंती।
मौन काहीकि अछंती उत्तर दियंतु तंकर कोनोसी दोष नै गुरुदेव तो समोर मोर ही मारुति को ऊपर दृष्टि रखिबार थिला तमको अभिशाप दौची तमको बानरी रूप नहीं पृथ्वी लोकरे जन्म नबाको पड़िबो देवी अंजनी तमे मते अभिशाप दबा पाई विवश करि देलो ना केवल तमको बरंग तमरो पुत्र को मध्य बरंग तमरो पुत्र को मध्य बरंग तमरो पुत्र को मध्य अरे बा आमे तो पहुंची गले कौन हाँ ए बुदा रही थी जगु मते देखा गलानी आमे तो केते बड़ो ज्ञान सरोवर निकट रे थिले हाँ देख ज्ञान सरोवर एठी की तो आमको आसीबार थिला आमको तो ज्ञान सरोवर जीवार थिला ना ज्ञान सरोवर बाबा आमो सहित आपण परियास करू ना कि तो किए कहि छी तते ज्ञान सरोवर विषय रे बहुत हुए से ही तो सहित परियास करी छी मातंग ऋषि मते स्वयं कहि थिले भक्त राजा जुब ज्ञान सरोवर को जाई थिले आउ सीए सेठी तपस्या करी निज आराध्य को पाई थिले एबे मोर पूर्ण विश्वास अछि जे मोर आराध्य मते सेठी मिलि जिबे ओ तेबे तो आराध्य को खोजिबा को आसी छु आपन को मु कहि थिले आपन जानि छंदि कोठे मिलेबे मोर आराध्य मते तो ज्ञान तो नहीं परंतु एमानंकु हुए तो जणा थिबो ए समस्त निज निज आराध्य को खोजिबा को आसीथिले सब मो सह देखा हिथिले जीवित अवस्था रे मु तंकु सचेतन करथिले परंतु जिदिया थिले मानिले नाही देख कोन परिणाम होइस तंकर केवल अस्थि ही रहिछि जेमिति ज्ञान सरोवर नाम रे कोनसी स्थान नाही सेही प्रकार सृष्टि रे आराध्यंकर भी कोनसी अस्तित्व नाही कबली धर्मात्मा को मु केवल क्षमार भिक्षा ही मागी परिबे मते क्षमा कर दियंतु ऋषिवर कृपा करी क्षमा कर दियंतु हमको तमर अपराध क्षमा योग्य न हो हे ऋषिवर आपन को विनम्र निवेदन करूची कृपा करी शांत होई जांतु जांबवान महाशय आपण होचंती ए कुळर ज्येष्ठ आपण अनेक जुग देखिछंती जुगांतर घटनार साक्षी आपण तेबे कहंतु कोण हेइथाय जेबे एक ऋषिर अपमान हेइथाय हे ऋषि बर पाप लागिथाय दोष होइथाय परंतु ये जहा किछि भी हेइछि ताहा अज्ञानता रे हेइछि ऋषि बर आपण अनुभवी शिष्टाचारर नियम सहित बहुत भल भाबरे परिचित आपण हे ऋषिवर जे जने अबोध बालक तांकर शिष्टाचारर एबे ज्ञान नाही किंतु तांको माता पितांकर भी नाही जदी तांको यह ज्ञान तो नथिला जे मारुति कोठी तेबे तांकर मते रोकिबा उचित नथिला रुथा कथारे लगेई मते मते प्रतीक्षा करैले
केबे शीतल जल केबे खीरी परसि दे मते भ्रमित करिवार प्रयास कले से सबुर पछरे से सत्य को लुचौथिले गोटे मातार कर्तव्य एहा जे निज पुत्र को उचित शिष्टाचार शिखेइबो आउ ये देवी अंजनी कर विफलता ज्ञान सरोवर और आराध्य दुहे जाक केवल भ्रम बाळक तो भली सरल मती पिला माने ही तो एई काल्पनिक कथा रे भली जानती ये काल्पनिक कथा नुओ भक्त राजा धूबंक भक्ति रो यथार्थ थिला आउ तांको निज आराध्यंक सह भेट बाबी आउ सेई कारण रु मु भी तांको भली से पर्यंत अन्न जल ग्रहण करबिनी जे पर्यंत कोन अरे बाह मां का हाथ तैयारी आउ गोटे लड़ू बालक तोरे पुटुली तो चमत्कारी लगुची अथच तू या को लुचे के रखि देइ नथुलु तो एबे जेबे तते हा ज्ञात हि सारिची जे आराध्य नामक किछ वस्तु तो कोठी नाही तेबे तू ए लड़ू को निसंकोच रे खाई देई परिबो परंतु आधा तू आ आधा मु दे। माता प्रभु मारुति को एमिति कहीं कहुचंती जे एते जत्न रे संभाली रखीथिबा विशेष लड़ू को से दुहे स्वयं खाई जिबे कहीं किना आराध्य तो केही हेले भी नहंती माता किछि करंतु कण तुम दुहिं को मारुति को मनोबल आ भक्ति ऊपर विश्वास नहीं एई तांकर अंतिम परीक्षा एबे जहां भी करबा को हबो मारुति को स्वयं करबा को हबो आजी तो आनंद आसी गला अपने सत्य कहुछंती ऋषिवर ए मोर ही दोष मोर दोष केवल मोर ही दोष यदि अपन अभिशाप देबे ताले मते ही दियंतु दया करी मो मारुति को अभिशाप दियंतुनी हे ऋषि श्रेष्ठ आपन को हाथ जोड़ी मिनती करूची जे आपन से बालक मारुति आउ देवी अंजनी को क्षमा कर दियंतु बस बस जांबवान महाशय ए विषय केवल एबे मोर नुह परंतु समस्त ऋषि कुलर मर्यादा ये एई अपमान पई जदि यांकु थरक पई क्षमा दान मिल जाए तेबे भविष्यत रे केही भी ऋषि मुनि को अपमान करबा पूर्वरु थरे भी चिंता करिवे नाही हे प्रभु मोते आभास हेउछि जे ये आपण रचिथिबा महालीला इबे एही परिस्थिति रे जहा करिवार अछि ताहा मारुति स्वयं करिवे परंतु सेते बेलकु आउ विलंब हेइ न जाउ क्षमा करंतु महाराज परंतु ए लटु आपण को पाइ न या ऊपर केवल मो आराध्यंकर अधिकार अछि तू एबे भी सेई भौरी भीतर घुरी बुलुचु कोउ भलिया मूर्ख रे तू मते देखा जाउची तू भोकिला अछु भोकर प्रकोप रे तो मुखर तेज मध्य कम हि गला बाबा आपण सत्य कहिसंती भोको तो अवश्य लागुची परंतु एते भी नो जे मोर दृढ़ता भांगी जिवो आराध्यों को न खोए बाजाए मु किछि भी खाइबिनी ये से आराध्य
किभली आराध्य कौटी मिले केवे केते दिन एमती भोकिला बनरे घूरी बुलू गोटे दिन गोटे मास गोटे वर्ष केते दिन जेबे भक्त राज धूब मास मास धरी किछि न खाइ न पी रहिथिले तेबे मु काई कि नो पछि मोर पूरा आयुष एई बनरे बिति जाउ परंतु मु मो धैर्यरु केबे भी विचलित हेबिनी मु पण करूछि मु आराध्य को न भेटि बा जाय एतु क्वाले भी जीबिनी परीक्षा नौचु बालक तू जानिछु तो तू कौन कहुचु केते केते मास भोकोससरे रहिबा गुटे सहज कार्य ना कौन जेबे घर छाडी दिली महाराज तेबे एहा जानि की छाडी दिली जे जो मार करे मु आगु को बलिछि से जहा भी हे जाउ कष्ट त हबो तेनो भय कोन पाइ तबे ठीक अछि देखि नबा केते दिन पर्यंत तू ए क्षुदा उतृषा को सज्ज्य करी परुचु महाकाल काल चक्र को तीव्र भाव आग को बढ़ाऊ ए समय चक्रर मायर बोध केवल मारुति देख अलौकिक दृश्य को केमिति गोटे गोटे क्षण रे गोटे गोटे दिन बीती जा एबे किपरि लागुची बालक मते तो बहुत भोक लागिलानी केते मास बिती गलानी ना परंतु ये कोन तोर आराध्य कोठी मिलिले नाही हे बालक कथा मानिने मोर से लडु अधा अधा बांटिने मो सहित मते भ्रम होई जाई छी तोर बालक पूरा जीवन केही भी प्राणी बिना अन्न जल रे रही परिबो नाही जे पर्यंत तोर प्रश्वास चलिबो तोर शरीर को अन्न जल रो आवश्यकता रही थिबो ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव करिथिबा नियम बुझिलो यदि ब्रह्मदेवंकर ए नियम अटूट तेबे मारुति रो दुर्लभता भी अटूट नियमरा भी पालन होबो आउ आराध्य को पाइबार तपस्या भी निरंतर चालू रहइबो असंभव आपण एई तो कहिथिले न जे पर्यंत मोर प्रश्वास चालिबो से पर्यंत मो शरीर को अन्न जलर आवश्यकता रहइथिबो
तेबे देखंतु एबे मु मा प्रशासन को अटकेई देबी ताबरे नाम ते भोक लागिबो आउ ना सोस आउ मु से पजंत प्रशासन नेबिनी ते पजंत मोर आराध्य मते आसी दर्शन न देइछंती माता ये किभोली पण करी नेले मारुति के जाने कोन हबो ए महापरीक्षार अंत पवनदेव आपण समग्र सृष्टिर वायु बेग को काहीं की रोकी देइछंती एभली भावे प्राण वायु बिना संसार रे नाही देवराज मते मते भी ज्ञात नहीं छे ये को कारण पई होची त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम मते ज्ञात अछि ए संकटर कारण कौन सहायता निमंते आम समस्त को महादेव को स्मरण करने को हम प्रभु आमर रक्षा करंतु भोलानाथ आपण आपण अंश मध्य जो संघर्ष चली सेही कारणरु मु तयारी करथिबा ए सृष्टि जेमिति अंत न होइ जाउ आपनकु निवेदन एबे ही परीक्षार अंत करंतु प्रभु प्रभु मारुति निजे निजे को प्रमाणित करि सारि जंति जे से तांकर आराध्य को भेटी परिबे मोर निवेदन कृपा करि तांकु दर्शन दे तांकर ए कठोर तपस्यार फल प्रदान करंतु ठीक निज नेत्र खोली देख पुत्र कल्याण हो कदाचित मोर भक्ति रे प्रसन्न है स्वयं महादेव मते दर्शन देले अर्थात आपण ही मोर आराध्य ना ना पुत्र मु तमर आराध्य किपरि हेई परिबी तमे होउछ मु
आउ मु तमे यारो तो कोण प्रभु मो कहिबार तात्पर्य जई जे तमोर आउ मोर आराध्य एक अच्छा मारुति परम भक्त बोलाइबा पई केवल भक्ति रहिबा यथेष्ट नुह भक्ति भितरे बल बुद्धि आ विद्या रहिबा अनिवार्य एबे तमे एही तीनोटी परीक्षा रे उत्तीर्ण हिच फलस्वरूप मु तुमको तुम आराध्यंकर नाम कहिबाकु आसीचि तुमको ए संसारर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक विशिष्ट मंत्र दबाकु जाउचि मारुति एही तारक मंत्र को निज अंतर रे धारण करिनि देवी अंजनी तमर आउ तम पुत्रर दुर्दिन आरंभ होबाकु जाउचि तम आराध्यंक नाम राम 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 राम